नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। गोरखपुर वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग के कटियासिया टोल प्लाजा पर शनिवार की भोर में घने कोहरे के बीच टोल के डिवाइडर से 5 गाड़ियां जा टकराई, जिससे गाड़ियां पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। संयोग अच्छा रहा कि इस दुर्घटना में लोगों को मामूली रूप से चोटें आई। आपको बता दें, गोरखपुर वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग कटिया में बने गए टोल प्लाजा के घने कोहरे के कारण शनिवार की भोर में 3-4 बजे के बीच गाजीपुर से टमाटर लादकर गोरखपुर मंडी जा रही पिकअप UP 5280-9927 घने कोहरे के कारण डिवाइडर से जा टकराई, जिससे टमाटर सड़कों पर बिखर गए। इसी दौरान कौड़ीराम से गोरखपुर की तरफ जा रहे कार UP 54AU 4827 भी डिवाइडर से टकरा गई। कार में 2 लोग सवार थे, जो बुरी तरह से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं गोरखपुर से कौड़ीराम की तरफ जा रही बोलेनो कार UP 53DB 2440 भी घने कोहरे के कारण डिवाइडर से टकरा गई। इसके अलावा ग्रामीण के अनुसार 2 और अन्य गाड़ियां भी टकराई थीं, जो कुछ देर बाद वहां से चली गईं। स्थानीय लोगों एवं राहगीरों का कहना है कि रात में टोल पर लगी लाइट बंद कर दी गई थी, जिससे हाईवे पर चल रही गाड़ियों को घने कोहरे के बीच टोल डिवाइडर होने का पता ही नहीं चल पाया और यह दुर्घटना घटित हुई। इस बात को लेकर आज सुबह राहगीरों और NHAI के लोगों में से काफ़ी नोकझोंक भी हुई। सर जी आए पे रिपोर्टिंग कई गेल बने तू देख